सो वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज रिलेटिव। इस वीडियो में मैं आपको एचसी वर्मा चैप्टर नंबर 17 वेव ऑप्टिक्स या लाइट वेव्स के जो है सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है फाइंड द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट दैट इज विजिबल टू एन एवरेज ह्यूमन बीइंग। मतलब आपको ऐसा बोला गया है कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए, मतलब कोई एक आदमी के लिए जो लाइट है उसके वेवलेंथ की रेंज दे रखी है। क्या रेंज दे रखी है देखो, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें वेवलेंथ की आपको रेंज दे रखी है। लैम्डा जो है वो आपका 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में है। मतलब वेवलेंथ की जो रेंज दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, 400 नैनोमीटर से लेकर दे रखी है आपको 700 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है, जो विजिबल रेंज है किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के लिए। तो पूछा गया हमसे कि फ्रीक्वेंसी की रेंज बताओ कि फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे मीडियम कुछ नहीं दे रखा तो मीडियम में एयर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो एयर की बात कर रहा हूँ तो वेलोसिटी जो होगी लाइट की वो सी हो जाती है, सेम मतलब 3×10^8, ठीक है। अगर मान लो कोई और मीडियम होता तो मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लेता उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब देखो यहां से अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो लैम्डा का इनवर्स है, दैट मींस अगर लैम्डा कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और लैम्डा अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, कम होगी, ठीक है। तो 400 नैनोमीटर की कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी सी अपॉन लैम्डा मींस 3×10^8 डिवाइडेड बाई 400 नैनोमीटर यानी 10^-9, ठीक है। 3/400 × 10^-9, ये देखो 10^-9 और ये दो जीरो जो है वो 10^-7 बन जाएगा। 10^-7 जब ऊपर जाएगा आपका तो वो +7 हो जाएगा, और 8 और 7 जो है वो आपका हो जाएगा 10^ जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो 3/4 × 10^15 जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 0.75 × 10^15 यानी 7.5 × 10^14 हर्ट्ज। मतलब इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ये है। अब इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वही अगेन सी अपॉन लैम्डा यानी 3×10^8 डिवाइडेड बाई 700×10^-9, ये हो जाएगा 3/7 × 10^15, ठीक है। 3/7 को जब आप कट करोगे तो ये हो जाएगा 0.4 × 28 बचेंगे 2 × 14 और 6 इतना होगा ये। मतलब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा यानी फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो आएगी 4.28 × 10^14 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी आई है वो इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग आई है, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी आई है वो इस वाली वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग आई है। तो इसका मतलब जो रेंज हो गई फ्रीक्वेंसी की वो कहां से कहां तक हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 4.28 × 10^14 हर्ट्ज से लेकर 7.5 × 10^14 हर्ट्ज तक, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज हो जाएगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल है, लैम्डा दे रखा है हमको, लैम्डा की रेंज दे रखी है हमको, फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछी गई है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको पता है कि सी अपॉन लैम्डा होता है। अगर हम एयर की बात कर रहे हैं, किसी और मीडियम की बात करेंगे तो उस मीडियम में वेलोसिटी लाइट की डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि एक सोडियम लाइट है जिसकी एयर में फ्रीक्वेंसी, सॉरी एयर में वेवलेंथ दे रखी है। मतलब एक सोडियम लाइट है उसकी एयर में आपको वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, वो आपको दिया हुआ है 589 नैनोमीटर। तो एयर में आपको वेवलेंथ दे रखी है सोडियम लाइट की, बोला गया है कि एयर में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो सेकंड में चार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर आपको, तो चार क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोडियम लाइट इन एयर। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। एयर की बात कर रहे हैं तो एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, सी, तो सी अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 3×10^8 डिवाइडेड बाई 589 × 10^-9। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 5×10^14 हर्ट्ज, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 5×10^14 हर्ट्ज। वैसे तो 5.09 के आसपास आएगा, लेकिन मैं इसको मोटा मोटा ले रहा हूँ 5×10^14 हर्ट्ज जब आप इसको पूरा कैंसिल आउट करके सॉल्व करोगे तो, ठीक है।
तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हमसे ये पूछा गया है इसके अंदर कि इसकी वेवलेंथ जो है वाटर में कितनी हो जाएगी। हमको सोडियम लाइट की वेवलेंथ एयर में दे रखी है और हमको सोडियम लाइट की वेवलेंथ जो है वो किस में पूछ रहा है, वाटर में पूछ रहा है। और वाटर का म्यू दिया हुआ है 1.33, 1.33 मतलब 4/3 होता है, ठीक है। तो मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हमको पता है, एयर में हमको वेवलेंथ पता है सोडियम लाइट की, और हमको वाटर में वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ और म्यू में एक रिलेशन होता है कि जब म्यू इंक्रीज होता है तो लैम्डा डिक्रीज होता है। मतलब अगर आपका मीडियम डेंस होता जाएगा तो वेवलेंथ आपकी लाइट की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, ये आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो मैं लैम्डा 1 / लैम्डा 2 इक्वल टू क्या बोल सकता हूं, म्यू 2 / म्यू 1। अब मैं लैम्डा 1 जो है वो वेवलेंथ एयर में है, लैम्डा 2 वेवलेंथ वाटर में है, म्यू 2 जो है वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू 1 जो है वो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो वैल्यू डाल दो बस, लैम्डा 1 वो दे रखा है 589 नैनोमीटर, मैं यहां पे इसको नैनोमीटर में डाल रहा हूं, तो मेरा लैम्डा 2 का आंसर जो है वो नैनोमीटर में आ जाएगा। तो अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू म्यू 2 यानी 4/3 अपॉन म्यू 1 1। तो लैम्डा 2 हो जाएगा 589 × 3/4। अरे बात समझ में। अब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये जो वैल्यू आपकी बनेगी, मैं आपको बताता हूँ ये वैल्यू कितनी बनेगी। ये आपके पास आया है 589 × 3/4। तो ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है लैम्डा 2 की वो आ रही है 441.75। ये नैनोमीटर में आ जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लैम्डा रखा था वो नैनोमीटर में रखा था। तो मतलब जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो है जो वाटर में मेरे पास आई है वो आई है 441.75, ठीक है। अब इसका जो सी पार्ट है यानी थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें ये बोला गया है कि बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी वाटर में कितनी हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट में तो हमको वेवलेंथ पूछा गया कि वेवलेंथ कितनी हो जाएगी वाटर में, थर्ड पार्ट में हमको पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो वाटर में कितनी हो जाएगी। तो सीधी सीधी बात है कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो तो केवल सोर्स पर डिपेंड करती है, मतलब जो सोर्स है लाइट का जो लाइट जनरेट कर रहा है वो कितनी फ्रीक्वेंसी लाइट जनरेट करेगा वो तो केवल सोर्स के नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर कोई लाइट जो है उसके लिए मीडियम चेंज होता है, मैं लाइट की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल वेव की बात कर रहा हूँ। 11th क्लास में आपने साउंड वेव में भी पढ़ा होगा और आपने क्या नाम है वेव ऑन स्ट्रिंग में भी पढ़ा होगा कि जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहती है, आपकी कॉन्स्टेंट रहती है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी एयर में थी उतनी ही फ्रीक्वेंसी आपकी वाटर में रहेगी। तो एयर में फ्रीक्वेंसी थी आपकी 5 × 10⁴ हर्ट्ज, तो यहाँ पे वाटर में भी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 5 × 10⁴ हर्ट्ज ही आएगी। अगर आप चाहो तो मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ, अगर मैं फॉर्मूले वाइज इसका लॉजिक बताऊँ आपको। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा और इस चैप्टर में भी आपको पढ़ाया गया होगा। वैसे भी फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई आपका, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो मान लो आपकी लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है, तो अगर लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होती है, और लैम्डा जो होता है वो तो म्यू का उल्टा होता ही है, इनवर्स होता ही है। तो अगर डेंसर मीडियम में जा रहे हो तो लैम्डा भी डिक्रीज होता है। तो जिस रेशियो से वी कम होता है उसी रेशियो से लैम्डा भी कम हो जाता है। तो इन दोनों का रेशियो अभी भी क्या बना रहेगा, कॉन्स्टेंट ही बना रहेगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि मान लो दूसरे मीडियम में जाने पर वेलोसिटी हाफ हो गई तो लैम्डा भी आपका हाफ हो जाता है। तो जो रेशियो बना रहेगा वो क्या बना रहेगा, वो कॉन्स्टेंट बना रहेगा। तो मतलब फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मीडियम चेंज होने पर वेलोसिटी पे फर्क पड़ जाता है, वेवलेंथ पे फर्क पड़ जाता है, बट फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहती है। तो फ्रीक्वेंसी तो क्या रहेगी आपकी, कॉन्स्टेंट ही रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो तो आपकी 5 × 10⁴ हर्ट्ज़ ही आएगी वाटर में भी, जो आपकी एयर में थी, ठीक है। लास्ट पार्ट आपको पूछा गया है लाइट की स्पीड जो है वो पानी में जाने के बाद कितनी हो जाएगी, मतलब वाटर में लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी। तो स्पीड पे फर्क पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया। अब लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रही है तो स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो लाइट एयर से वाटर में जा रही है मतलब डेंसर मीडियम में जा रही है, अगर लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है तो स्पीड क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। तो स्पीड जो होता है वो म्यू की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि अगर म्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। तो मतलब ऐसा होता है वी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, दैट मींस v1 / v2 बराबर हो जाएगा m2 / m1। v1 जो है वो मैं स्पीड ले रहा हूं एयर में, तो v1 है स्पीड एयर में, v2 जो है वो स्पीड है वाटर में, m2 जो है वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और m1 जो है वो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो v1 एयर में लाइट की स्पीड है वो मुझे पता है 3 × 10⁸ होती है / v2 = 4/3 / 1। तो v2 जो आपका आएगा वो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁸ / 4। तो v2 जो आपका बनेगा वो बनेगा 4×8 = 2.25 × 10⁸ m/s। तो ये जो वेलोसिटी आ गई वो किस में निकल के आ गई आपकी, ये वाटर में आपकी वेलोसिटी निकल के आ गई सोडियम लाइट की जो तो भी बनती है। अब देखो एयर की कंपेरिजन में कमी है, एयर में 3 × 10⁸ होती है बट वाटर में देखो 2.25 × 10⁸ m/s होती है।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा चारों पार्ट इसके। ये भी आसानी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा कुछ खास इसमें लॉजिक नहीं था, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे इसके अंदर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वी बाई लैम्डा बस, और लैम्डा जो होता है वो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी जो होती है वो भी म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है उसमें फर्क नहीं पड़ता अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो। बस तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये चारों क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है फ्यूज्ड क्वार्ट्ज की, एक फ्यूज्ड क्वार्ट्ज है कोई जिसकी लाइट की वेवलेंथ मतलब 400 नैनोमीटर जो है ना वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ के लिए जो म्यू है वो आपको गिवन है, वो आपको गिवन है 1.472। मतलब फ्यूज क्वार्ट्ज जो है उसकी वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर है, तो उसके लिए जो म्यू है वो है 1.472, ठीक है। और एक और लाइट है उसकी वेवलेंथ है 760 नैनोमीटर यानी 760 नैनोमीटर, उसके लिए जो म्यू है वो आपको दिया हुआ है 1.452, ठीक है। मतलब इस लाइट के लिए तो म्यू इतना है और इस लाइट के लिए जो म्यू है वो इतना है। और वैसे देखो अगर लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू डिक्रीज होना चाहिए, तो लैम्डा किसका ज्यादा है, सेकंड वाले का लैम्डा ज्यादा है, तो उसके लिए देखो म्यू जो है वो पहले वाले से कम है, ठीक है। खैर छोड़ो इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछा गया वो सुनो आपसे। क्वेश्चन ये पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ दीज वेवलेंथ्स इन फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, मतलब फ्यूज्ड क्वार्ट्ज जो है उसमें जब लाइट एंटर करेगी, इस वेवलेंथ की लाइट एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, और फ्यूज्ड क्वार्ट्ज में जब इस वेवलेंथ की लाइट एंटर करेगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है। और वो जो फ्यूज्ड क्वार्ट्ज है वो इस वाले लाइट के लिए तो इतने कम म्यू का काम कर रहे हैं, और इस वाले लाइट के लिए उस फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का जो म्यू है वो इतना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, पहले मैं इसके लिए स्पीड निकाल देता हूँ। तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, देखो कि वेलोसिटी जो होती है वो म्यू की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। डेंसर मीडियम में जाओगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, रेयर मीडियम में जाओगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब वी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, ठीक है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ v1/v2 = μ2/μ1, ठीक है। अब मेरे को इस वाली लाइट के लिए बताना है कि जब ये 400 नैनोमीटर की लाइट जब क्वार्ट्ज में एंटर करेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम एयर से कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि एयर में मेरे को लाइट की स्पीड पता होती है। तो v1 में मान लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एयर, v2 में मान लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन क्वार्ट्ज, ठीक है। और म्यू टू जो है वो क्वार्ट्ज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, और म्यू वन जो है वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो v1 यानी 3×10⁸ डिवाइडेड बाई v2 = μ2 1.472 / 1। तो v2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3×10⁸ डिवाइडेड बाई 1.472। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू जो आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, देखो 3×1.472। तो ये आपका बनेगा v2 2.038×10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ समझ में आया, मतलब ये हुआ कि जब 400 नैनोमीटर की लाइट जो है वो जब क्वार्ट्ज में एंटर करेगी एयर से, तो उसकी वेलोसिटी जो है क्वार्ट्ज में जाने के बाद कितनी हो जाएगी, आ रही बात समझ में। अब हमको बोला गया है कि जब ये वाली लाइट एंटर करेगी क्वार्ट्ज में एयर से तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वो भी अपन ऐसे ही निकाल लेंगे। अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, v1/v2 बराबर क्या लगा दूंगा मैं μ2/μ1। तो ये वाली तो वेलोसिटी आई है जब ये वाली लाइट क्वार्ट्ज में एंटर करेगी, अब हमको निकालना है जब ये वाली लाइट क्वार्ट्ज में एंटर करेगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वो कैसे निकालेंगे, उसका तरीका भी यही होगा v1/v2 = क्या हो जाएगा μ2/μ1। अब v1/v2 यानी 3×10⁸ डिवाइडेड बाय v2 = μ2/μ1। μ2 कितना दे रखा है अपने को 1.452 डिवाइडेड बाय μ1 यानी 1। तो यहां से जो v2 कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 3×10⁸ डिवाइडेड बाय 1.452, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 3/1.452 को, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी 3/1.452, ये आपका आएगा v2 2.066×10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाली लाइट एयर से क्वार्ट्ज में एंटर करेगी तो क्वार्ट्ज में जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2.066×10⁸ मीटर पर सेकंड। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया सॉल्व।
तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी कि एयर से जब लाइट क्वार्ट्ज में जाती है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, तो वही हमको पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस वही लॉजिक इसके अंदर लगाए, उसी से मैंने इसको सॉल्व किया। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक येलो लाइट है, उसकी वेलोसिटी किसी अननोन लिक्विड में 2.4 × 10⁸ है। मतलब वो एक येलो लाइट है, इसकी वेलोसिटी हमको दे रखा है 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसी अननोन लिक्विड में है। तो किसी अननोन लिक्विड में येलो लाइट की वेलोसिटी आपको दे रखी है और आपको ये बोला गया है कि बताओ इस अननोन लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, अब देखो हमको वेलोसिटी दे रखी है और हमको म्यू पूछा गया है कि इस अननोन लिक्विड का म्यू कितना है। तो सीधी सीधी बात है, रिलेशन ऑफ वेलोसिटी और म्यू में हमको रिलेशन पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस v1 / v2 इक्वल्स टू होता है μ2 / μ1। मतलब वेलोसिटी जो होती है वो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पिछले 2-3 क्वेश्चन में मैंने ये सब चीजें काफी बार यूज में ले ली है। तो देखो v1 / v2 इक्वल्स टू μ2 / μ1, मान लो v1 मैं एयर में मान लूं तो v एयर डिवाइडेड बाई v लिक्विड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू लिक्विड डिवाइडेड बाई म्यू एयर, क्योंकि म्यू जो होता है वो वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब वेलोसिटी इन एयर वो होती है मुझे पता है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन लिक्विड, वो दे रखा है 2.4 × 10⁸ इक्वल्स टू म्यू ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ एयर, वो होता है 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10⁸ से 10⁸ कट गया, तो म्यू लिक्विड जो आपके पास आएगा वो आएगा 3/2.4। तो जब आप इसको कट करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/24, ये हो जाएगा 1.25, ये आपका म्यू लिक्विड आ जाएगा। तो म्यू लिक्विड की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी 1.25। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, हमको वेलोसिटी दे रखी थी एक लिक्विड के अंदर लाइट की और उस लिक्विड का अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया था। तो वी और म्यू में हमको रिलेशन पता है, पिछले 2-3 क्वेश्चन से हम यही सब चीजें कर रहे हैं। तो उसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन था आपका 4th क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, वैसे भी बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे आपको बोला गया है कि दो नैरो स्लिट्स हैं, मतलब दो स्लिट्स हैं, उनके बीच का गैप दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो ये लो दो स्लिट्स हैं, एक S1 मान लो एक S2 मान लो, इनके बीच का गैप आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो लाइट यूज में ली गई है इस एक्सपेरिमेंट में वो ली गई आपको 5 × 10⁻⁷ मीटर की। बेसिकली ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, YDSC का क्वेश्चन है। तो दोनों स्लिट्स के बीच का गैप दे रखा है 1 सेंटीमीटर, जो लाइट हम काम में ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है, और आपको बोला गया आगे जाके कहीं स्क्रीन है, स्क्रीन जो रखी है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखी है। ठीक है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखी है। अब आपको उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें टोटल आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन आपका वो ये है कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 2 कंजुगेटिव मैक्सिमा, मतलब 2 कंजुगेटिव मैक्सिमा के बीच का गैप निकालो। कंजुगेटिव मैक्सिमा मतलब या तो पहले और दूसरे मैक्सिमा के बीच का गैप निकाल दो, या दूसरे और तीसरे मैक्सिमा के बीच का गैप निकाल दो, या तीसरे चौथे मैक्सिमा के बीच का गैप निकाल दो, मतलब 2 लगातार मैक्सिमा के बीच का गैप निकालना है। अब आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा 2 लगातार मैक्सिमा के बीच का गैप जो होता है वो डार्क फ्रिंज की विड्थ होती है। ऐसे ही 2 लगातार डार्क फ्रिंज के बीच का जो गैप होता है वो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होती है। ये सब आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा। और यहाँ पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि चाहे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालू चाहे डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालू, तो वो जो आई थी यहाँ पे सेम ही आई थी, और फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला यहाँ पे आया था वो आया था लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो यहाँ पे हमको 2 लगातार मैक्सिमा के बीच का गैप निकालना है, दैट मींस डार्क फ्रिंज की विड्थ पूछी गई है। अब चाहे डार्क की पूछे चाहे ब्राइट की पूछे, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला तो यही होता है। तो इस क्वेश्चन को बस क्लिक ये करना चाहिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो 2 कंजुगेटिव मैक्सिमा का गैप पूछ रहा है, इसका मतलब ये फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी कैलकुलेट कर लो। लैम्डा दे रखा है आपको 5 × 10⁻⁷। कैपिटल डी जो होता है वो होता है स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे है, तो वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। स्मॉल डी जो होता है वो स्लिट्स के बीच का गैप होता है, वो दे रखा 1 सेंटीमीटर यानी 1 × 10⁻² मीटर। तो बीटा जो आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा 50 माइक्रोमीटर। बीटा जो आपका आएगा यहाँ पे वो आपका आ जाएगा 50 माइक्रोमीटर, ये आपका फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया है
फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सोर्स, बेसिकली सोर्स मतलब S1 S2 के बीच का गैप। आपको बोला है कि इन सोर्स के बीच का सेपरेशन क्या होगा, हाँ सोर्स के बीच का सेपरेशन क्या होगा, मतलब S1 S2 के बीच का सेपरेशन क्या होगा यदि दो मैक्सिमा के बीच का गैप 1 mm हो। मतलब पहला क्वेश्चन तो खैर ये हो ही गया, दूसरे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, S1 S2 के बीच का गैप अगर दो कंजुगेटिव मैक्सिमा के बीच का गैप आपका 1 mm हो। तो दो कंजुगेटिव मैक्सिमा के बीच का गैप दिया हुआ है, इसका मतलब हमको क्या दिया हुआ है, इसका मतलब हमको फ्रिंज की विड्थ दे रखी है, डार्क फ्रिंज की विड्थ दे रखी है, क्योंकि दो कंजुगेटिव मैक्सिमा का गैप जो होता है वो डार्क फ्रिंज की विड्थ होती है। तो बेसिकली हमको सेकंड क्वेश्चन में बीटा दे दिया, और सेकंड क्वेश्चन में हमको बीटा दिया है कितना 1 mm, यानी बीटा आपको दिया हुआ है 10⁻³ मीटर, और आपको यह बोला गया है कि दोनों स्लिट के बीच का गैप बताओ कितना होगा। तो बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, 10⁻³ दिया हुआ है, लैम्डा 5 × 10⁻⁷ इनटू कैपिटल डी बन आई अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू 10⁻³, क्योंकि S1 S2 के बीच का जो गैप होता है वो स्मॉल डी होता है। तो जब आप यहां से स्मॉल डी कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर, यानी स्मॉल डी जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 0.5 mm। स्मॉल डी की जो वैल्यू आपकी आएगी कितनी आ जाएगी 0.5 mm। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको बेसिकली फ्रिंज विड्थ दे रखी थी और S1 S2 के बीच का गैप पूछा था, और फर्स्ट क्वेश्चन उल्टा था, फर्स्ट क्वेश्चन में S1 S2 के बीच का गैप दे रखा था और फ्रिंज विड्थ पूछी गई थी। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, आपको ये बोला गया है कि दो कंजुगेटिव डार्क फ्रिंज के बीच का गैप दे रखा है YDSE एक्सपेरिमेंट में 1 mm। तो दो कंजुगेटिव डार्क के बीच का गैप दे रखा है, तो दोबारा से वही चीज आ गई, दो कंजुगेटिव डार्क के बीच का गैप जो होता है वो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होती है, और चाहे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ की बात करो चाहे डार्क फ्रिंज की विड्थ की बात करो YDSE एक्सपेरिमेंट में तो फ्रिंज विड्थ सबकी सेम ही आती है, और वो होता है बीटा और वो होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, दो कंजुगेटिव डार्क फ्रिंज के बीच का जो गैप है वो 1 mm है, तो बेसिकली आपको बीटा दे दिया 1 mm, यानी 10⁻³ मीटर। ठीक है, आगे देखो आपको क्या बोला गया कि स्क्रीन जो है वो 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो स्क्रीन कहां पर रखी है आपकी 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे रखी है, दैट मींस कैपिटल डी दे दिया आपको 2.5 मीटर। ठीक है, अभी बताया था ना मैंने कैपिटल डी जो होता है वो स्क्रीन का जो है वो सेपरेशन होता है कि स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे रखी है, और दोनों स्लिट्स के बीच का गैप दे रखा है 1 mm, दोनों स्लिट्स के बीच का गैप मतलब स्मॉल डी दे दिया 1 mm, यानी 10⁻³ मीटर। आपसे पूछा गया बताओ इस एक्सपेरिमेंट में जो लाइट काम में ली गई है उसका वेवलेंथ कितना है, तो बीटा दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है, लैम्डा निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख निकाल लो बीटा, बीटा कितना दे रखा है 10⁻³ इक्वल्स टू लैम्डा हमको पूछा गया है, कैपिटल डी 2.5, स्मॉल डी 10⁻³। ठीक है, तो यहां से जब आप लैम्डा कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय कितना 2.5। ठीक है, तो यहां से जब आप लैम्डा निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 0.2 × 10⁻⁶, यानी लैम्डा हो जाएगा आपका कितना 2 × 10⁻⁷ मीटर। तो ये वेवलेंथ आ गई जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में काम में ली गई है, मतलब इस क्वेश्चन में हमको जो वेवलेंथ पूछी गई थी उसका आंसर होगा 2 × 10⁻⁷ मीटर। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ खास नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बीटा दिया हुआ था, कैपिटल डी दिया हुआ था, स्मॉल डी दिया हुआ था, लैम्डा की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या बोला गया है, उसमें हमको बोला गया है कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसके दोनों स्लिट्स के बीच का गैप दिया हुआ है 1 mm, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू दे दी हमको, तो स्मॉल डी दिया हुआ है हमको 1 mm, और जो लाइट हमने काम में ली है उसकी वेवलेंथ दी हुई है 5 × 10⁻⁷ मीटर, और स्क्रीन कितना डिस्टेंस पे है, तो स्क्रीन की डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, तो कैपिटल डी दे दिया, स्मॉल डी दे दिया और लैम्डा दे दिया। अब इसमें हमको दो क्वेश्चन पूछे हैं, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर फर्स्ट मिनिमा बनेगा, मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वैसे तो करते हैं, इसमें हमारा यहाँ पे सोर्स होता है, ये स्लिट्स होती है S1 S2, और यहाँ पे हमारी स्क्रीन होती है, स्क्रीन के मिड पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, तो इस सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर आपको फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, ये हमसे पूछा गया है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर जाऊं कि मुझे फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। तो इसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो आपको मैं फॉर्मूला बता दूं, अगर मुझे मैक्सिमा की पोजीशन चाहिए, अगर मुझे मैक्सिमा की पोजीशन चाहिए
सेंट्रल मैक्सिमा से, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर फर्स्ट मैक्सिमम बनेगा, कितना ऊपर सेकंड मैक्सिमा बनेगा, या कितना ऊपर थर्ड मैक्सिमा बनेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो ये तो होता है मैक्सिमा की पोजीशन का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर मिनिमा बनेगा, मतलब फर्स्ट मिनिमा कितना ऊपर बनेगा, सेकेंड मिनिमा कितना ऊपर बनेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है वाई इक्वल्स टू टू एन माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल टू डी। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये आपका मिनिमा की पोजीशन का फॉर्मूला होता है, कितना डिस्टेंस पर आपको मिनिमा मिलेगा, और ये फॉर्मूला होता है कि कितना डिस्टेंस पर आपका मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, बात आती है ये फॉर्मूले कहां से है, तो उसके लिए आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डेरिवेशन किया होगा और डेरिवेशन के बेसिस पे ये फॉर्मूला निकाला होगा। अब मैं पूरा डेरिवेशन तो सॉल्यूशन में कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो सिर्फ सॉल्यूशन, मेरा मतलब इस वीडियो में मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है आपको, तो मैं पूरा थ्योरी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप चाहो तो कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपको इसका पूरा थ्योरी में अपलोड कर दूंगा अगर आप चाहो तो, कि ये फॉर्मूले कहाँ से है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इन फॉर्मूले की डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, मैं सिंपल फॉर्मूले में बात कर रहा हूँ। तो मुझे क्या पूछा गया है, मुझे ये पूछा गया है कि फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा से, तो मिनिमा की पोजीशन के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला कहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे पूछा गया है कि फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनेगा, तो एन बराबर क्या पुट कर दूंगा, एन की जगह वन पुट कर दूंगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा है, सेकंड मिनिमा की बात करता तो एन इक्वल्स टू टू पुट कर देता। तो फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनेगा उसके लिए मैं इस फॉर्मूले में एन इक्वल्स टू वन पुट कर देता हूँ, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टू एन माइनस वन, यानी वो हो जाएगा टू एन माइनस वन यानी वन इंटू लैम्बडा, लैम्बडा कितना दिया हुआ है फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन इंटू कैपिटल डी, कैपिटल डी दिया हुआ है वन अपॉन टू इंटू स्मॉल डी, स्मॉल डी दिया हुआ कितना वन इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री, क्योंकि वो वन एम एम में है, तो वन एम एम मतलब टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एन इक्वल्स टू वन पुट कर दिया, तो टू माइनस वन वन हो गया इंटू लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 into 10 raised to power minus 4, यानी y equals to आप ऐसे बोल सकते हो 0.25 into 10 raised to power minus 3 meter, या y equals to बोल दो 0.25 mm। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये मेरी पोजीशन आ गई फर्स्ट मिनिमा की, कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर मैं जाऊं कि मुझे फर्स्ट मिनिमा मिले, तो मुझे 0.25 mm ऊपर जाना पड़ेगा अगर मुझे क्या चाहिए फर्स्ट मिनिमा चाहिए। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है, सेकंड पार्ट में हमको ये पूछा गया है कि अगर मैं इस स्क्रीन पर एक सेंटीमीटर का एक रीजन काट कट कर लूं, जैसे मान लो मैं इस स्क्रीन पर एक सेंटीमीटर जितना बड़ा रीजन कट कर लूं, तो उस एक सेंटीमीटर के रीजन में मेरी कितनी फ्रिंजेस आ जाएंगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, कि हाउ मेनी फ्रिंजेस आर फॉर्म इन वन सेंटीमीटर विड्थ ऑन द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के एक सेंटीमीटर की जगह पर कितनी मेरी फ्रिंजेस आ जाएंगी। तो उसके लिए पहले मैं ये चेक करता हूँ कि एक फ्रिंज कितनी मोटी बनेगी, तो फ्रिंज की मोटाई का फॉर्मूला मुझे पता है, बीटा इक्वल्स टू होता है लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे बेल डालोगे लैम्बडा 5 * 10 टू पावर माइनस 7 * कैपिटल डी 1 स्मॉल डी 1 * 10 टू पावर माइनस 3, तो यहाँ से जो बीटा आपका पास आएगा वो आएगा 5 इंटू टेन टू पावर माइनस 4, यानी बीटा जो आपका बनेगा वो बनेगा 0.5 mm। तो बीटा बनेगा वो कितना 0.5 mm, तो एक फ्रिंज की मोटाई है 0.5 mm, मतलब एक फ्रिंज जो है वो 0.5 mm जगह कवर करती है। अब ऐसी 0.5 mm की कितनी फ्रिंजेस जो है वो एक सेंटीमीटर में आ जाएगी, वही हमसे पूछा गया है। तो मेरे पास जगह कितनी है एक सेंटीमीटर को मैं बोल सकता हूँ मेरे पास जगह जो है वो 10 mm की है, तो टोटल स्पेस है मेरे पास 10 mm का, और एक फ्रिंज जो है वो 0.5 mm जितनी मोटी है, तो मेरे पास कितनी फ्रिंजेस आ जाएंगी, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो आएंगी मेरे पास, नंबर ऑफ फ्रिंजेस वो हो जाएगी 10 mm जितनी जगह है 10 mm डिवाइडेड बाई एक फ्रिंज कितनी जगह कवर कर रही है 0.5 mm, तो जब आप उसको कट करोगे तो आपके पास आएगा 20। तो मतलब एक सेंटीमीटर जितनी जगह पर कितनी फ्रिंजेस आ जाएंगी, तो एक सेंटीमीटर जितनी जगह पर 20 फ्रिंजेस आ जाएंगी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो 20 फ्रिंजेस कितना स्पेस कवर करेगी, एक फ्रिंज कवर कर रही है 0.5 mm, तो 20 फ्रिंजेस कितना कवर करेंगी, तो 20 × 0.5 यानी 10 mm, 10 mm मतलब एक सेंटीमीटर, मतलब मेरा आंसर सही है, एक सेंटीमीटर में नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी आ जाएंगी 20 फ्रिंजेस आ जाएंगी। तो ये इस क्वेश्चन का बी पार्ट था। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा दोनों पार्ट कि ए और बी पार्ट कैसे सॉल्व है। तो ये आपका सेवंथ क्वेश्चन था, अब चलिए चलते हैं देखिए एट्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है।
ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के दोनों स्लिट्स के बीच का गैप जो है वो 0.8 mm है, मतलब स्मॉल डी दे दिया आपको, स्मॉल डी की वैल्यू आपको दे दी 0.8 mm, ठीक है। और आगे देखो क्या बोला गया आपको, और आगे आपको ये बोला गया है कि जो सोर्स जो मैंने लाइट काम में ली है वो है 589 mm की, नैनोमीटर की सॉरी, तो लैम्डा जो काम में लिया है वो है 589 नैनोमीटर, ठीक है। और आगे आपको क्या बोला गया है, आपको ये बोला गया है कि स्क्रीन जो है वो 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स कैपिटल डी दे दिया आपको 2 मीटर की डिस्टेंस, 2 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है आपको, आपको बोला गया है कि दो एडजेसेंट ब्राइट के बीच का जो गैप है, ठीक है, वो कितना होगा। बेसिकली दो एडजेसेंट ब्राइट का मतलब दो लगातार ब्राइट के बीच का गैप पूछा गया है, दो कंटिन्यूअसली ब्राइट के बीच का गैप या दो कंटिन्यूअसली डार्क के बीच का गैप, वो हमको क्या देता है, वो हमको फ्रिंज विड्थ देता है। ये चीज मैंने आपको अभी ऊपर भी समझाई थी सॉल्यूशंस में। तो जैसे मैं बोलूं तीसरी और चौथी ब्राइट के बीच का गैप या चौथी और पांचवी ब्राइट के बीच का गैप, तो जो दो लगातार ब्राइट के बीच का गैप जो होता है वो हमको फ्रिंज विड्थ की वैल्यू देता है। ऐसे दो डार्क के बीच का जो गैप होगा, लगातार डार्क की बात कर रहा हूँ, जैसे पहली और दूसरी डार्क के बीच का गैप, दूसरी और तीसरी डार्क के बीच का गैप, ये भी हमको किसकी वैल्यू देता है, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू देता है। तो हमको दो एडजेसेंट ब्राइट के बीच का गैप पूछा गया है, दैट मींस इस क्वेश्चन में हमको फ्रिंज विड्थ पूछी गई है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो बीटा लैम्डा 589 नैनोमीटर में, यानी 10^-9 इंटू कैपिटल डी 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी 0.8 mm, यानी 0.8 × 10^-3, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो कितना हो जाएगा, ये 589 × 10^-9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 × 10^-4, ठीक है। इसको यहां से काट दो, चार बार कट जाएगा, 10^-4 ऊपर जाके +4 और -9, वो बचेगा -5, तो बीटा हो जाएगा 589 डिवाइडेड बाई 4 × 10^-5। कट कर दो उसको एक बार, चार बार, 28 बचे इतना, 38, ये ओके हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 1.4725 mm। तो ये आपके बीटा की फाइनल आंसर आएगा फ्रिंज विड्थ का। तो फ्रिंज विड्थ जो होगी वो होगी 1.4725 mm, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये क्लिक करना चाहिए था कि दो एडजेसिंग ब्रेड के बीच का गैप पूछा गया, दैट मींस हमको केवल क्या पूछा गया, फ्रिंज विड्थ पूछी गई है, बस ये क्लिक करने वाली बात थी, बाकी तो सिंपल फॉर्मूला था, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बोला गया है कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें ब्लू ग्रीन लाइट काम में ली गई है, जिसकी वेवलेंथ हमको दे रखी है 500 नैनोमीटर, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू दे रखा है हमको 500 नैनोमीटर, ठीक है। आगे देखो हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है वो है 2 × 10^-3 meter, तो स्मॉल डी दे दिया हमको 2 × 10^-3 meter, ठीक है। और हमको ये बोला गया है कि फाइंड द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द कंजुगेटिव ब्राइट फ्रिंज, मतलब दो लगातार ब्राइट फ्रिंज जो बनेगी स्क्रीन पर उनके बीच का एंगुलर सेपरेशन क्या होगा। अगर मेरे को दो लगातार ब्राइट के बीच में लीनियर सेपरेशन पूछा गया होता तब तो मतलब यह होता कि मुझे फ्रिंज विड्थ पूछी गई है, बट यहाँ पे मुझे फ्रिंज विड्थ नहीं पूछी, मुझे दो लगातार ब्राइट के बीच का एंगुलर सेपरेशन पूछा है, लीनियर सेपरेशन नहीं पूछा, एंगुलर सेपरेशन पूछा है। एंगुलर सेपरेशन का मतलब है एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछी गई है हमसे, बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो देखिए इस क्वेश्चन को देखो, मैं पहले क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताता हूँ। ये मेरी स्क्रीन है, सॉरी स्लिट्स है S1 S2, और ये मेरी जो है आगे स्क्रीन है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, तो आपको ऐसे पूछा गया है कि फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट, वैसे तो फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट बोला नहीं गया, लेकिन मैं मान लेता हूँ फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट, क्योंकि उसने तो ये बोला कि दो लगातार ब्राइट के बीच का एंगुलर सेपरेशन निकालो, तो आप कोई से भी दो लगातार के बीच का निकाल सकते हो, फर्स्ट और सेकंड के बीच का एंगुलर सेपरेशन निकाल लो, थर्ड और फोर्थ के बीच का एंगुलर सेपरेशन निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सब में सेम ही आएगा, आप चाहो तो अपने लेवल पे करके देख सकते हो। मैं फर्स्ट और सेकंड के बीच का एंगुलर सेपरेशन निकाल के आपको बता देता हूँ, आप चाहो तो सेकंड थर्ड का निकाल सकते हो, थर्ड फोर्थ का निकाल सकते हो, फोर्थ फिफ्थ का निकाल सकते हो, सब में आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली हमसे ये पूछा गया, मान लो इस पॉइंट पर, मान लो पी पॉइंट पर मुझे फर्स्ट ब्राइट मिल रही है,
तो मान लो फर्स्ट ब्राइट जो मिल रही है वो मान लो थीटा वन एंगल पे मिल रही है, ठीक है, और मान लो स्क्यू पॉइंट पे मुझे सेकंड ब्राइट मिल रही है, तो मान लो सेकंड ब्राइट जो मिल रही है वो मुझे थीटा टू एंगल पे मिल रही है, ठीक है। तो इन दोनों ब्राइट के बीच में मान लो यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट मिल रही है और यहाँ पे सेकंड ब्राइट मिल रही है, ठीक है, तो मुझे इन दोनों ब्राइट के बीच का एंगुलर सेपरेशन पूछा गया है, विच मीन्स मुझे थीटा टू माइनस थीटा वन की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो एक बार मुझे थीटा वन निकालना पड़ेगा, एक बार मुझे थीटा टू निकालना पड़ेगा, और थीटा वन थीटा टू निकालने के बाद मैं उन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरा एंगुलर सेपरेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे पी पॉइंट पर क्या बनने वाला है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट अज्यूम कर लिया है, लेकिन स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे क्या बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट पर S1 से आने वाली लाइट और S2 से आने वाली लाइट उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लो स्क्रीन पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट चूज कर लूं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये कोई रैंडम पॉइंट चूज कर लिया, लेट्स से इसका नाम है M, ठीक है, तो मैं बोलूं इस स्क्रीन के M पॉइंट पर क्या बनेगा, मतलब ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा या कुछ और बनेगा, तो वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि S2 से आने वाली लाइट और S1 से आने वाली लाइट, S2 से आने वाली लाइट और S2 से आने वाली लाइट इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, ठीक है। जैसे पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस होगा S1m माइनस S2m, क्योंकि ये वाली लाइट कितना चल के आई है, ये वाली लाइट चल के आई है S1m और ये वाली कितना चल के आई है S2m। तो मतलब स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर क्या बनेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि S1 S2 से आने वाली लाइट जो है उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। अब ये जो पाथ डिफरेंस है, ये जब आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो आपको ये बताया गया होगा, या आपने अगर कहीं बुक में से ये पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो पाथ डिफरेंस होता है किसी भी पॉइंट पर डेल्टा एक्स वो होता है डी साइन थीटा, ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया होगा। ये डी साइन थीटा कहां से आया इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं जा रहा, वापस से वही वाली बात है, क्योंकि अगर मैं पूरा डेरिवेशन करूंगा तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो यही बात है कि आपको ये पता होना चाहिए पहले से कि किसी भी पॉइंट पर क्या बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि S1 S2 से आने वाली लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, और वो जो पाथ डिफरेंस जब हमने निकाला था डेरिवेशन करके, या आपने पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स में पाई डीएससी एक्सपेरिमेंट में, तो वो जो पाथ डिफरेंस आता है वो आता है डी साइन थीटा, ठीक है। अब अगर ये डी साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर होगा तब तो मतलब ब्राइट बनेगा उस पॉइंट पे, और अगर ये पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा तो उस पॉइंट पे डार्क बनेगा। समझ मारे बात कहना चाहो कि अगर ये पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है तो ब्राइट बनता है उस पॉइंट पे, और अगर ये पार्ट डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर हुआ तो उस पॉइंट पे डार्क बनता है, ठीक है। अब हमने p पॉइंट पे क्या माना है, ब्राइट, और q पॉइंट पे भी क्या माना है, ब्राइट, तो उसका मतलब ये हुआ कि p पॉइंट और q पॉइंट दोनों पे जो ये पार्ट डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं p पॉइंट की बात करूं, 4 पॉइंट p, अब p पॉइंट पे s1 से आने वाली लाइट और s2 से आने वाली लाइट उन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, d sin theta, और वो किसके बराबर होना चाहिए, n lambda के। अब p पॉइंट पे मैंने फर्स्ट ब्राइट माना है तो n की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1, तो sin theta, theta की जगह क्या आ जाएगा, theta 1 equals to क्या हो जाएगा, lambda, क्योंकि वहां पे मैंने फर्स्ट ब्राइट अज्यूम किया है, तो sin theta 1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी lambda by small d, ठीक है। तो यहां से जो sin theta 1 निकल के आपका आएगा वो निकल के आ जाएगा lambda, वो दे रखा है 500 नैनोमीटर, यानी 500 into 10 to power minus 9 divided by 2 into 10 to power minus 3, तो जो sin theta 1 आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10 to power minus 3 पर जाएगी plus 3 और ये 2 कितना हो जाएगा plus 5, तो ये हो जाएगा 2.5 into 10 to power minus 4, या sin theta 1 आप बोल सकते हो कितना हो जाएगा ये आपका, चलो यहीं पे छोड़ देता हूं। तो sin theta 1 की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 2.5 into 10 to power minus 4, आ रही बात समझ में। अब ये जो sin theta 1 की वैल्यू जो आ रही है बहुत स्मॉल आ रही है, 10 to power minus 4 में जा रही है। अगर साइन थीटा स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है वो बहुत स्मॉल आ रही है, तो साइन थीटा 1 को हम अप्रोक्सीमेट थीटा 1 मान लूंगा, तो थीटा 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5 into 10 to power minus 4, आ रही बात समझ में। तो ये आ गई एंगुलर पोजिशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट, कि फर्स्ट ब्राइट जो है वो कितने एंगल पे बन रहा है, आ रही बात समझ में। ऐसे सेकंड ब्राइट कितने एंगल पे बनेगा वो कैसे निकालूंगा, तो क्यू पॉइंट की अगर कैलकुलेशन करूं, 4 पॉइंट क्यू, तो Q पॉइंट के लिए जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वो कितना आएगा, देखो वो आएगा पार्ट डिफरेंस क्या होगा दोबारा से, d sin थीटा, अब वो d sin थीटा जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा के। अब Q पॉइंट पे मैंने क्या माना है, सेकंड ब्राइट माना है, तो d sin थीटा 2 बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा के, तो sin थीटा 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल d, तो sin थीटा 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2 *
500 into 10 to power minus 9 divided by 2 into 10 to power minus 3 कट जाएगा. तो sin theta 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 into 10 to power minus 4. अब अगेन sin theta 2 की जो वैल्यू आ रही है वो बहुत स्मॉल आ रही है, 10 to power minus 4 में जा रहा है. अगर sin theta बहुत स्मॉल होता है तो sin theta को अपन क्या बोल सकते हैं, theta बोल सकते हैं. तो यहां पे मैं sin theta 2 को बोल सकता हूं theta 2. theta 2 जो आएगा वो आएगा 5 into 10 to power minus 4 रेडियन में. एंगल की जो यूनिट होती है वो किसमें होती है भाई, रेडियन में. ये आंसर जो आया वो भी रेडियन में आया. ठीक है, तो थीटा 1 की वैल्यू आई गई, थीटा 2 की वैल्यू आई गई. मुझे दोनों के बीच का एंगुलर सेपरेशन चाहिए, तो थीटा 2 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, थीटा 2 में से थीटा 1 माइनस कर दूंगा. तो जब आप थीटा 2 में से थीटा 1 माइनस करोगे तो वो जो वैल्यू आएगी डेल्टा थीटा की वो मैं यहां पे कर देता हूं. तो डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आएगी यहां से वो आएगी थीटा 2 माइनस थीटा 1. तो वो जाएगी 5 * 10 * 4 माइनस 2.5 * 10 * 4. तो ये जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2.5 into 10 to power minus 4 रेडियन में. ये जो आपका आंसर आएगा ये रेडियन में आएगा. अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको 180 into पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो रेडियन में आया है और आपकी बुक में जो आंसर दे रखा है वो आपका डिग्री में दिया हुआ है. तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.5 into 10 to power minus 5 4 को 180 upon पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब आप ऐसे 180 upon पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर बनेगा 0.014 डिग्री. तो डिग्री में जो आपका आंसर आएगा डेल्टा थीटा का वो आएगा 0.14 डिग्री, 0.014 डिग्री. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. तो बस इस क्वेश्चन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट पर क्या बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि S1 और S2 से आने वाली लाइट के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है. और जब आपने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा या जब डेरिवेशन किया होगा YDSA एक्सपेरिमेंट का, तो आपको ये पता लगा, आपने ये देखा होगा वहां पे कि किसी भी पॉइंट पर जो P पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस होता है S1 और S2 से आने वाली लाइट का वो होता है d sin थीटा. तो बस d sin थीटा के बारे में आपको पता होना चाहिए. अगर इतना पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है. मैं चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या बोला गया है. क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बोला गया है कि एक वापस से वही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया है. उसमें हमको बोला गया कि दो लाइट कॉपी ली गई है और उन दोनों की वेवलेंथ हमको दी है. जो पहली लाइट कॉपी ली है उसकी वेवलेंथ है 480 नैनोमीटर, यानी लैम्डा 1 दे रखा है आपको 480 नैनोमीटर. ठीक है, और दूसरी लाइट जो कॉपी ली गई है उसकी वेवलेंथ दे रखी है आपको 600 नैनोमीटर, यानी 600 नैनोमीटर आपको दूसरी वाली लाइट की वेवलेंथ दे रखी है. और दोनों स्लिट के बीच का गैप है 0.25 mm, मतलब स्मॉल डी दे दी आपको 0.25 mm, और स्क्रीन जो है वो 150 सेंटीमीटर पे है, यानी 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे. तो स्क्रीन कितना डिस्टेंस पे वो दे दिया है, स्मॉल डी यानी दोनों स्लिट के बीच का गैप दिया हुआ है, और दोनों लाइट के बीच की, दोनों लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी कितनी है ये हमको दे दिया गया. हमको ये बोला गया कि दोनों लाइट जो है उनके लिए जो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये मेरा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये इसमें स्लिट एस वन है, ये स्लिट एस टू है, और ये मान लो मेरी स्क्रीन है. ठीक है, तो पहली लाइट के लिए फर्स्ट मैक्सिमा कहां पे बनेगा. मान लो पहली लाइट के लिए फर्स्ट मैक्सिमा जो है यहां पे बना y1 डिस्टेंस पे फर्स्ट मैक्सिमम. ठीक है, कौन सा लाइट के लिए, फर्स्ट लाइट के लिए मैं फर्स्ट लाइट जो है वो लैम्डा 1 मान के चल रहा हूं. ठीक है, ऐसे ही सेकंड लाइट के लिए मान लो वो जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो यहां पे बना. दोनों का फर्स्ट मैक्सिमा सेम पोजीशन पे नहीं बनेगा क्योंकि दोनों के लिए लैम्डा अलग-अलग है. तो मैंने मान लिया यहां पे जो है वो सेकंड वाली लाइट का मैक्सिमा बना फर्स्ट. ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं y2 बोल रहा हूं. तो यहां पे मुझे क्या मिला, यहां पे भी मुझे फर्स्ट मैक्सिमा मिला, लेकिन कौन सी लाइट का, सेकंड लाइट का, यानी लैम्डा 2 वाली लाइट का. तो दोनों का फर्स्ट मैक्सिमा कहां कहां पे बन रहा है उनके बीच का सेपरेशन पूछा है. तो मुझे इन दोनों के बीच का सेपरेशन पूछा है कि फर्स्ट वाली लाइट का मैक्सिमा कहां पे बन रहा है फर्स्ट, और सेकंड वाली लाइट का फर्स्ट मैक्सिमा कहां पे बन रहा है, उनके बीच का सेपरेशन पूछा गया. ठीक है, और ये चीज मैं आपको अभी सॉल्यूशन में कई बार बता चुका हूं कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर मुझे फर्स्ट मैक्सिमा या सेकंड मैक्सिमा या थर्ड मैक्सिमा मिलेगा. उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y equals to n lambda capital D by small d. ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन का फॉर्मूला ये होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी डिस्टेंस पे मुझे ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे. और डार्क के लिए मैंने आपको बताया था कि डार्क का जो पोजीशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 2n minus 1 lambda capital D by 2d. ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है डार्क की पोजीशन का कि कितनी डिस्टेंस में मुझे डार्क मिलेगी, और ये फॉर्मूला है ब्राइट की पोजीशन का यानी कितने डिस्टेंस में मुझे ब्राइट मिलेगी. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, दोनों लाइट के लिए फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन चेक करनी है.
तो मैं एक काम करता हूँ, पहले लैम्बडा वन वाली लाइट के लिए करता हूँ। लैम्बडा वन वाली लाइट के लिए फर्स्ट ब्राइट कहाँ पे बनेगी? तो फर्स्ट ब्राइट के लिए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन की जगह पुट कर दूंगा 1 × λ 480 × 10⁻¹⁹, क्योंकि नैनोमीटर में है। कैपिटल डी दे रखा है 1.5 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, स्मॉल डी दे रखा है मेरे को कितना 0.25 mm में है, तो यानी 10⁻³। ठीक है, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 2.88 mm। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, जब पूरा इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2.8 mm। मतलब पहली वाली लाइट के लिए फर्स्ट मैक्सिमा जो बन रही है वो 2.88 mm में बन रहा है। मतलब ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट मैक्सिमा की फर्स्ट वाली लाइट के लिए वो है 2.8 mm। ठीक है, 2.88 mm। ऐसे ही लैम्बडा 2 वाली लाइट, लैम्बडा 2 वाली लाइट जो है इसके लिए फर्स्ट ब्राइट कहां पे बन रही है? तो इसके लिए फर्स्ट ब्राइट कहां पे बन रही है? n लैम्बडा कैपिटल d / स्मॉल d, n की जगह 1 लैम्बडा, 600 नैनोमीटर यानी 600 × 10⁻¹⁹, कैपिटल d 1.5 डिवाइडेड बाय स्मॉल d 0.25 × 10⁻³। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.6 mm। ठीक है, तो दूसरी वाली लाइट जो है मतलब लैम्बडा 2 वाली लाइट जो है 600 नैनोमीटर की जो लाइट है उसके लिए फर्स्ट मैक्सिमम मिल रहा है मेरे को 3.6 mm पे, और 480 नैनोमीटर की जो लाइट है उसके लिए फर्स्ट मैक्सिमम मिल रहा है मुझे कितने पे, 2.8 mm पे। तो दोनों के बीच का गैप पूछा गया है, तो 3.6 mm में से 2.88 mm जब आप माइनस करोगे तो जो गैप आएगा आपके पास वो आपके पास आ जाएगा 0.72 mm। यानी दोनों की जो फर्स्ट ब्राइट है उनके बीच का जो गैप है वो है 0.72 mm, और ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसमें बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है कि पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल मैक्सिमा से ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन क्या होती है उसका फॉर्मूला आपको पता है, एल लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको ये बोला गया है कि एक व्हाइट लाइट मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में काम में ली है, यानी व्हाइट एसी एक्सपेरिमेंट में मैंने व्हाइट लाइट काम में ली है। व्हाइट लाइट बेसिकली 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो उन 7 कलर में से मेरे को वॉयलेट कलर की वेवलेंथ दे रखी है 400 नैनोमीटर। तो मतलब वॉयलेट कलर के लिए जो लैम्बडा है वो है 400 नैनोमीटर। तो लैम्बडा जो वॉयलेट है वो है 400 नैनोमीटर, और लैम्बडा जो रेड कलर का दिया हुआ है वो दे रखा है 700 नैनोमीटर। ठीक है, अब आपको यह बोला गया इस क्वेश्चन में कि वॉयलेट कलर की मिनिमम कौन सी फ्रिंज रेड की किसी भी फ्रिंज पर ओवरलैप करेगी। मतलब वॉयलेट कलर की मिनिमम वाली कौन सी फ्रिंज रेड की किसी भी फ्रिंज पर क्या करेगी, कंप्लीट ओवरलैप करेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जब यहां पे आप वाइट एसी एक्सपेरिमेंट कराओगे ना, तो रेड और वॉयलेट दोनों कलर का वेवलेंथ अलग अलग है, तो जहां पे रेड की फर्स्ट मैक्सिमा बनेगी वहां पे वॉयलेट की फर्स्ट मैक्सिमा तो नहीं बनेगी, क्योंकि लैम्बडा अलग अलग है। तो बेसिकली फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, इनकी जो डिस्टेंस आएगी सेंटर मैक्सिमा से वो रेड के लिए तो अलग अलग आएगी और वॉयलेट के लिए अलग अलग आएगी, क्योंकि दोनों का लैम्बडा अलग अलग है। लेकिन ऐसी एक जगह ऐसी मिल सकती है जहां पर वॉयलेट कलर की कोई ना कोई ब्राइट फ्रिंज रेड की किसी ना किसी ब्राइट फ्रिंज से क्या कर रही होगी, ओवरलैप कर रही होगी। तो आपसे यह पूछा गया है कि आप ये बताओ कि वॉयलेट कलर का कौन सा मैक्सिमा जो है वो रेड की किसी एक फ्रिंज पर क्या कर रहा है, कंप्लीट ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, मतलब मेरा ये है कि ये मान लो S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है, और यहाँ पे आपकी स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है, स्क्रीन है। तो स्क्रीन पे क्या बन रही होगी, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बन रही होंगी, दोनों कलर्स के लिए बन रही होंगी। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि इस डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ पे कोई P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर वॉयलेट और रेड दोनों कलर की जो फ्रिंजेज है वो आपस में क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। अब कौन सी फ्रिंज ओवरलैप कर रही है वो मुझे नहीं पता, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे बोल देता हूं कि वॉयलेट कलर की N1V फ्रिंज, वॉयलेट कलर की कौन सी वाली फ्रिंज, N1V वाली फ्रिंज P पॉइंट पे बन रही है, और रेड कलर की N2 वाली फ्रिंज, N2 कोई भी नंबर हो सकता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो रेड कलर की तो यहाँ पे N2V फ्रिंज बन रही है, और वॉयलेट कलर की यहाँ पे कौन सी फ्रिंज बन रही है, वॉयलेट कलर की यहाँ पे N1V फ्रिंज बन रही है,
और ये वोलेट कलर की N1 भी फ्रिंज और रेड कलर की N2 भी फ्रिंज इस P पॉइंट पे क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं वोलेट कलर के लिए N1 भी फ्रिंज की डिस्टेंस निकालूं सेंट्रल मैक्सिमा से, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से वोलेट कलर की N1 भी फ्रिंज कितना ऊपर बनेगी, तो उसके लिए मेरे को पोजीशन का फार्मूला पता है। ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फार्मूला क्या होता है, N लैम्डा कैपिटल D / स्मॉल d। तो वहां पे इस P पॉइंट पर वोलेट कलर की कौन सी लाइट बन रही है, मतलब वोलेट कलर की कौन सी फ्रिंज बन रही है, तो यहाँ पे वोलेट कलर की N1 भी फ्रिंज बन रही है। तो N1 भी फ्रिंज P पॉइंट पे बन रही है, तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा N1 लैम्डा वोलेट इनटू कैपिटल D / स्मॉल d। तो कैपिटल D और स्मॉल d तो दोनों कलर के लिए सेम है ना। तो ये पोजीशन आ गई, किसकी पोजीशन आ गई, ये पोजीशन आ गई कि P पॉइंट पर वोलेट कलर की N1 भी फ्रिंज कितना डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। अगर मैं रेड के लिए बात करूं तो इतनी ही डिस्टेंस पर रेड की कौन सी फ्रिंज बन रही है, तो इतनी ही डिस्टेंस पर रेड की N2 फ्रिंज बन रही है, N2 भी फ्रिंज बन रही है। तो N2 भी फ्रिंज के लिए जो पोजीशन आएगी वो कितनी आएगी, N2 into lambda red into capital D / small d। तो ये पोजीशन आ गई रेड फ्रिंज के लिए, कौन से फ्रिंज की, N2 फ्रिंज की, कि N2 वाली फ्रिंज जो है ना वो रेड कलर के लिए कितने डिस्टेंस पे बन रही है। और ये किसकी पोजीशन आ गई, ये N1 फ्रिंज की पोजीशन आ गई, कौन से कलर के लिए, वॉयलेट कलर के लिए, कि कितने डिस्टेंस पे वॉयलेट कलर की N1 भी फ्रिंज बन रही है। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि P पॉइंट जो है उसके डिस्टेंस मैंने निकाल ली है वॉयलेट के लिए तो N1 भी फ्रिंज की, और रेड कलर के लिए यहाँ पे क्या बन रही है N2 भी फ्रिंज। तो ये दोनों पोजीशन आपस में दूसरे के बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये ओवरलैप कर पाएंगी। तो जब मैं इन दोनों को आपस में बराबर करूंगा तो आपका जो बनेगा वो बनेगा N1 लैम्डा वॉयलेट इक्वल्स टू N2 लैम्डा रेड, कैपिटल D / स्मॉल d से तो कैपिटल D / स्मॉल d कट ही जाएगा। तो आपका जो बनेगा वो बनेगा N1 लैम्डा वॉयलेट इक्वल्स टू N2 लैम्डा रेड। आ रही बात समझ में? तो जब आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, तो जब आप वैल्यू डालोगे तो वैल्यू डालने पे क्या बनेगा, देखो N1 लैम्डा वॉयलेट दे रखा है मेरे को 400 नैनोमीटर इक्वल्स टू N2 वो दे रखा है मेरे को कितना 700 नैनोमीटर, आपस में कट जाएगा तो 4N1 इक्वल्स टू आ जाएगा 7N2। अब ये दोनों वैल्यू तभी बराबर हो सकती है जब मैं N1 को तो ले लूं 7 और N2 को ले लूं मैं 4। कोई बोलेगा सर 7 और 4 क्यों लिया, आप N1 को ले लो 14 और N2 को ले लो 8 तो भी तो बराबर हो पाएगा, बात तो सही है, लेकिन मुझे मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मिनिमम वॉयलेट कलर की तो 7वीं फ्रिंज, वॉयलेट कलर की 7वीं फ्रिंज रेड कलर की 4थी फ्रिंज पर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो वॉयलेट कलर की 7वीं फ्रिंज रेड की 4थ फ्रिंज पर ओवरलैप कर रही है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं वॉयलेट कलर की 14थ फ्रिंज, वॉयलेट कलर की 14थ फ्रिंज रेड कलर की 8थ फ्रिंज पर ओवरलैप कर रही है। इसके बाद का अगर नंबर चेक करो तो वो आएगा 21, वॉयलेट कलर का 21 वाला फ्रिंज रेड कलर के 12th फ्रिंज पे ओवरलैप करेगा। मुझे पूछा गया है कि मिनिमम वॉयलेट कलर की कौन सी फ्रिंज ओवरलैप करेगी रेड पे, तो मिनिमम 7th फ्रिंज ओवरलैप करेगी। मिनिमम कौन सी फ्रिंज ओवरलैप करेगी, 7th फ्रिंज ओवरलैप करेगी। वो मुझसे पूछता कि कौन सी वाली फ्रिंज पर ओवरलैप करेगी, तो मैं बोलूंगा वो रेड की 4th फ्रिंज पर ओवरलैप करेगी। बट ये नहीं पूछा कि कौन सी फ्रिंज पर ओवरलैप करेगी, बस मुझे तो ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि वॉयलेट कलर की कौन सी फ्रिंज जो है वो ओवरलैप करेगी, तो वॉयलेट कलर की 7th फ्रिंज ओवरलैप करेगी। 7th के बाद में 14 ओवरलैप करेगी, 14 के बाद में 21 ओवरलैप करेगी, फिर 28 ओवरलैप करेगी। बट मिनिमम की बात कर रहा है तो मैं 7th की बात कर रहा हूं। आ रही बात समझ में? आज के बाद आपको ये इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। जब आपसे ये पूछे कि किसी एक कलर की फ्रिंज की जो है वो दूसरे कलर की फ्रिंज पर ओवरलैप करने वाली है तो कौन सी फ्रिंज ओवरलैप करेगी, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो N1 लैम्डा 1 बराबर N2 लैम्डा 2। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो N1 लैम्डा 1 बराबर क्या N2 लैम्डा 2। देखा जाए तो यहां पे भी यही बना था, देखो N1 लैम्डा 1 बराबर N2 लैम्डा 2, क्योंकि कैपिटल D / स्मॉल d तो हर बार कट ही जाएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जब भी आपसे ये पूछे कि 300 नैनोमीटर की लाइट कहां मिली है, एक 400 नैनोमीटर की लाइट कहां मिली है, तो इनकी कौन-कौन सी फ्रिंजेस आपस में ओवरलैप करेंगी, तो आप सिंपल से N1 लैम्डा 1 बराबर क्या लगा दो, N2 लैम्डा 2 लगा दो, जब भी ओवरलैप करने की बात आती है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि वॉलेट की चौथी 7वीं फ्रिंज, वॉलेट की 7वीं फ्रिंज रेड की 4थी फ्रिंज से क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। चलो ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।